नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। एमपी के खरगोन में बड़ा सड़क हादसा, पुल में गिरी बस, 14 यात्रियों की दर्दनाक मौत, 20 से ज्यादा घायल। उत्तराखंड के जोशीमठ के गांधीनगर वार्ड में फिर दिखी दरारें, प्रशासन ने भवन को येलो जोन में रखा। सचिन पायलट का दावा, कर्नाटक में कांग्रेस बहुमत के साथ बनाएगी सरकार। सीएम योगी 12 मई को अपने कैबिनेट के साथ दी केरला स्टोरी फिल्म को देखेंगे। सुप्रिया सूले को मिल सकता है एनसीपी की कमान, शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष बनाने की जताई इच्छा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज देश भर में करेगा हनुमान चालीसा का जाप। अफगानिस्तान में कांपी धरती, फैजाबाद में भूकंप के झटके, तीव्रता 4.3%। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एमएसजी की टीम ने शुरू की इन्वेस्टिगेशन, कल रात यहां हुआ था जबरदस्त धमाका। राहुल गांधी का उदयपुर दौरा आज, कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में करेंगे शिरकत। और सलमान खान को गोल्डी बरार के नाम पर धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस हुआ जारी।